अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दी काशिफ अनीस। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जी ए के यू फिज़िक्स पेपर 3। ठीक है, अब जो पहला सवाल है, बच्चों कह रहे हैं कि एक 5 kg का ब्रिक है जिसको अपवर्ड लेके जा रहे हैं इतनी एक्सेलरेशन से, जो कि हैंग कर रहा था, इस तरह से हैंग कर रहा था। अब देखें, इसका वेट नीचे जा रहा है, इसकी टेंशन ऊपर जा रही है, और इस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो सब ऊपर ले जाएगी। तो अगर हम नेट फोर्स निकालें यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगी टेंशन माइनस वेट के। अगर टेंशन निकालें तो ये बराबर हो जाएगी फोर्स प्लस वेट के। ये अपेरेंट वेट है असल में। अब देखें, यहाँ से इसको मैंने ब्रेक कर दिया एम ए में, और उसको मैंने ब्रेक कर दिया एम जी में। एम भार निकाल लिया, ये आ गई 0.3 और ये आ गया 10। 10 में इसको ऐड करो 10.3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 10.3 है उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 15, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 5 और 0.1 प्लस पास 51 के आसपास भी आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक लड़का है जो टॉय कार्ट को पुश करता है, तो जब पुश करेगा रोड पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। 3 और 4 न्यूटन एक पॉइंट है पैरेलल लग रहे हैं, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट क्या होगा? तो देखिए, पैरेलल फोर्सेज जब होती हैं बच्चे, तो रिजल्टेंट निकलता है दोनों को ऐड कर 3 प्लस 4 7। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज, तो ये न्यूटन पर कूलम यूनिट हो जाएगा इसका। लेकिन हम यहाँ पे है ही, तो न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है, तो ये यूनिट हो जाएगा। द एनर्जी रिजाइड्स इन द कॉइल फॉर्म, तो देखें जब भी कोई कॉइल होता है यानी कि सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक होती है। ठीक है, कोल्ड वेदर में मेटेलिक बार्स पे ज़्यादा ठंडक फील होती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बार, जो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर, उसके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कम हो जाती है, इसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, कौन सी सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? सिंपल सी बात है, बैटरी। द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, इसको तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये मैग्निफिकेशन है बच्चों। ठीक है, ये जे डॉट जे, तो जे डॉट जे बच्चों 1 होता है। एक जनरेटर है जिसका EMF इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी है, टर्मिनल वोल्टेज इतना है, करंट निकालना है, आसान है। EMF इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR। ठीक है, तो EMF हो गया 80, ये हो गया 75, करंट निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.04, इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया I इंटू 0.04। अब अगर मैं I को निकालूं यहाँ से, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 0.04। दो प्लेस पॉइंट को मूव करा दिए, 500 हो गया। अब 500 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो आसान है, एक सिंपल सी डिवीजन परफॉर्म कर लें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एक इन्वेंटर ने क्लॉक बनाई यूजिंग अ ब्रास रॉड एंड हैवी मास, व्हाट हैपेंस व्हेन द क्लॉक गेट्स कोल्डर? देखिए, जब क्लॉक जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट ऑफ लेंथ के बराबर है, ठंडक में लेंथ कम होती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो द पेंडुलम विल बी लेंथन एंड द क्लॉक गेन टाइम, उसका टाइम बढ़ जाएगा। व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द इफेक्ट ऑब्जर्व इज डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी। ऑब्वियसली बात है, जब सोर्स दूर जाएगी तो आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी के संपर्क वर्क नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन एक्ट करती है बच्चों। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फाउंड टू बी दिस, वॉट विल बी द न्यू फोर्स इफ दीज चार्जेस आर प्लेस इन द मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी? तो देखिए, परमिटिविटी असल में बराबर होती है एयर वाली फोर्स अपॉन मीडियम की फोर्स है, तो मीडियम की फोर्स पूछिए तो एयर वाली फोर्स को परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, एयर वाली फोर्स है 40, परमिटिविटी है 4, तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है जी, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ दिस, द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज, तो जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर में उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 ही होगा। द वेव प्रोड्यूस इन ओशन, ओशन के अंदर वेव प्रोड्यूस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सॉरी ट्रांसफर्स होती हैं। व्हाट विल द करंट, तो निकाल लीजिएगा वी इज इक्वल टू आई आर लगा के सिंपल। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टी याद की हुई हमने। अब देखें, VRMS वोल्टेज हमें निकालना है, तो VRMS वोल्टेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीक वोल्टेज अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, सिंपल। यहाँ पे अंडर रूट 2 होना चाहिए, इसको लिखा हुआ नहीं है उन्होंने, देख लीजिएगा। अब एनर्जी डेसिपेटेड निकालनी है, एनर्जी डेसिपेटेड बाय रेजिस्टर इन 1 आवर इज दिस,
इफ द स्टेडी करंट इज दिस देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अप्लाइंस विल बी, देखें एक फॉर्मूला हमारे पास होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी। एनर्जी पता, रेजिस्टेंस पता, टाइम पता, वोल्टेज आ जाएगा, लेकिन इस आवर को 3600 में रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।